यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार की सुबह माइल स्टोन 73 क्षेत्र में दो गाड़ियां एक दूसरे में आपस में टकरा गई, जिसमें दोनों गाड़ियों में सवार एक दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल स्थिति में हॉस्पिटल के लिए भर्ती कराया जा चुका है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही दो कार स्विफ्ट में एक टाटा हरियाणा जहां एक दूसरे से वह टकरा गई, जिसमें सवार अभय पुत्र भीम सिंह निवासी पानीपत हरियाणा, चंद्रशेखर दिनेश कुशल पाल सिंह निवासी उमा कुंज कॉलोनी आगरा, अशोक यादव निवासी के नगर आगरा सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।